हेलो एवरीवन, टैरेट विद एम सिंह में मैं अपने सभी व्यूवर्स का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके लिए जो रीडिंग लेकर आई हूँ, ये आप लोगों के रिक्वेस्टेड टॉपिक है। आप में से कई लोगों ने मुझे पर्सनली भी और कमेंट सेक्शन में भी बोला है कि मैम, क्या हमारी शादी हमारे पार्टनर के साथ होगी, जिनसे हम प्यार करते हैं, जिनके लिए हम रोज रीडिंग्स देखते हैं। तो कलेक्टिव रीडिंग है गाइस, जनरल रीडिंग है, लेकिन मैं कोशिश करूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी रेजोनेट हो और ज़्यादा से ज़्यादा मैसेजेस मैं आपको दे पाऊँ। तो आपसे आप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो रही है कि नहीं हो रही है, ये भी देखने के लिए मैंने यहाँ पर दो डेक्स रखे हैं। तो इस डेक से हम ये देखेंगे कि आपके पार्टनर की क्वालिटीज़ क्या हैं। अगर आपके पार्टनर की क्वालिटीज़, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, अगर रेजोनेट करती है, तो फिर हम इस डेक से देखेंगे कि क्या वो आपसे शादी करना चाहते हैं या चाहती हैं, और अगर नहीं हो पा रही है तो क्या क्या मजबूरियाँ बीच में आ रही हैं, क्या ऑब्स्टेकल्स हैं। और फिर हम लास्ट इस डेक से देखेंगे कि आपकी शादी होगी या नहीं होगी आपके पार्टनर के साथ। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे आपकी पार्टनर की क्वालिटीज़, और फिर हम देखेंगे उनके लाइफ में वो क्या सोच रहे हैं, आपको लेकर कितने सीरियस हैं। ठीक है, तो टॉपिक क्लियर हो गया होगा आपको। जिनसे आप प्यार करते हैं, क्या उनसे आपकी शादी होगी या नहीं, प्लीज़ गाइड कर एंजल्स। मेरे व्यूवर्स जो भी ये रीडिंग देख रहे हैं अभी या आने वाले समय में देखेंगे, टाइमलेस रीडिंग है, क्या उनके पार्टनर्स से उनकी शादी होगी, क्या क्वालिटीज़ हैं उनके पार्टनर्स की, प्लीज़ गाइड करें, प्लीज़ गाइड करें आपके पार्टनर्स की क्वालिटीज़ क्या हैं। सिक्स कार्ड्स, कार्ड नंबर वन है एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, कार्ड नंबर टू है 25 डिसीट, कार्ड नंबर थ्री है नंबर 38 हार्ट चक्रा, और कोई कार्ड आना चाहता है तो आ जाए। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है डोर टू वैल्यू, स्टॉर्म वार्निंग, हैप्पी फैमिली, थर्ड चक्रा, स्ट्रैटेजी, मजिशियन एंड द मिरर एंड डोर टू वैल्यू। आप में से कुछ लोगों का रिलेशनशिप हो सकता है 4 महीने से 4 साल या उससे ज़्यादा, 10 साल या 10 साल से भी ज़्यादा यहाँ पर दिख रहा है। कई लोगों का रिलेशनशिप मोर देन 10 ईयर्स का हो सकता है, कुछ लोगों का बिलो 4 ईयर्स हो सकता है। यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आप काफ़ी समय से एक दूसरे को जानते हैं, लेकिन कमिटमेंट या शादी अभी तक आपकी नहीं हुई है। या तो आप दोनों फ्रेंडशिप में हैं या एक दोनों रिलेशनशिप में हैं, लेकिन ना कमिटमेंट उनकी तरफ से हो पा रही है ना आपकी तरफ से हो पा रही है, कुछ ना कुछ इश्यूज़ दिख रहे हैं। तो आपके पार्टनर की क्वालिटीज़ बताती हूँ। अब सबसे पहले मैं फ़ीमेल की क्वालिटीज़ बताऊँगी। अगर आप मेल हैं तो पहले आपके पार्टनर की क्वालिटीज़, और फिर हम फ़ीमेल अगर आप देख रहे हैं तो आपके क्वालिटीज़ बताऊँगी, ताकि आपको क्लियर हो सके। तो अगर आपकी पार्टनर फ़ीमेल हैं तो उनकी क्वालिटी ये हो सकती है कि वो आपसे बहुत प्यार करती हैं, बहुत ज़्यादा आपको लेकर इमोशंस हैं, बहुत ज़्यादा फीलिंग्स हैं, लेकिन हमेशा आप पर शक रहता है, हमेशा एक नज़र आपके ऊपर ही रहती है, और उन्हें हमेशा डाउट रहता है कि कहीं आपका कोई और चक्कर उक्कर तो नहीं चल रहा, कहीं आप उन्हें धोखा तो नहीं देंगी, कहीं आपके साथ वो आगे चल के सिक्योर तो रहेंगी। फिर यहाँ पर यह भी दिख रहा है कि इन सब चीज़ों की वजह से कई बार वो ऑन एंड ऑफ भी हुई हैं आपके लाइफ से, टावर मोमेंट भी आया है आप दोनों के बीच में। हो सकता है इस टावर मोमेंट की वजह से आप दोनों के रिलेशनशिप में और स्ट्रॉन्ग हुआ हो बॉन्ड दोनों तरफ से। उन्हें आपसे बस ये दिख रहा है कि आप और वो एक हैं, वो आपको हो सकता है अपने हस्बैंड की तरह ट्रीट भी करती हों, बहुत ज़्यादा केयर, बहुत ज़्यादा आपकी लिए अफेक्शन, लेकिन बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं नज़र आ रही। ऐसा लग रहा कि या तो उनका हार्ट चक्रा या सोलर चक्रा ब्लॉकेज है, मतलब कि या तो बहुत ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं करती हैं, और अगर करती हैं तो इमोशनल बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि शायद वो आपको खो देंगी। क्यों ऐसा लगता है, वो सबकी अलग सिचुएशंस हो सकती हैं, बट आप में से कई लोगों की पार्टनर ऐसी दिख रही हैं जैसे उन्हें एक फियर सताता है कि वो आपको खो देंगी। हो सकता है कि वो ऑलरेडी थर्ड पार्टी में हो, मैरिड हो,
कुछ लोगों की पार्टनर हो सकता है, ज़्यादातर लोगों की पार्टनर सिंगल हैं, लेकिन उनके अंदर हिम्मत की कमी है, पावर नहीं है एक्शन लेने का। उन्हें ऐसा लगता है कि सब कुछ आप ही करो, इनसे मत बोलो कुछ करने के लिए। तो अगर आपकी पार्टनर फीमेल हैं तो ये एनर्जी दिख रही है यहाँ पर, ठीक है। ये उन लोगों की पार्टनर हैं जो कि सिंगल हैं या किसी और के साथ मैरिड हैं, ठीक है। अब बात करते हैं, अगर आप फीमेल हैं और आपके पार्टनर के लिए रीडिंग देख रहे हैं जो कि मेल हैं, तो आपके पार्टनर की क्वालिटी ये हो सकती है कि ये आपसे शुरू में तो बहुत ज़्यादा लव किए, बहुत ज़्यादा मिरर किए आपको, बहुत ज़्यादा अफेक्शन, बहुत ज़्यादा लव, बहुत ज़्यादा केयर, बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन, लेकिन आफ्टर सम टाइम जब आप इनकी तरफ पूरी तरह से डेडिकेट हो गए, लॉयल हो गए, आपने इन्हें ये शो कर दिया कि अब बस यही आपके सर्वे सर्वा हैं, यही आपके भगवान हैं और आप इनको पूजते हैं, आप पूरी तरह से डिवोटेड हो गए इस रिलेशनशिप के लिए, तब इन्होंने आपको हल्के में ले लिया, या तो इनके लाइफ में कोई थर्ड पार्टी इंट्री कर गई, या तो इनके अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि ये आपके लिए स्टैंड ले सके। आप दोनों के बीच में समटाइम्स टावर मोमेंट भी आ गया, मे बी इनके एक्सप्रेस ना करने से या इनके कुछ एडिक्शंस की वजह से। इन्होंने आपको हमेशा टाला है, डीले किया है कि मैं अभी फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं हूँ, मैं अभी स्ट्रैटेजी बना रहा हूँ हमारे रिलेशनशिप को लेकर, मैं प्लान कर रहा हूँ। तो इस तरह की एनर्जी यहाँ पे दिख रही है। हो सकता है आप में से कुछ लोगों के पार्टनर ड्रिंक करते हों या स्मोक करते हों, या आपको उनके ऊपर ट्रस्ट इशूज़ बहुत ज़्यादा होते हों कि यार बोलता नहीं है, पहले तो इतना बोलता था, अब तो बिल्कुल एक्सप्रेस ही नहीं करता, अब तो जब देखो मैं ब्लॉक ही रहती हूँ। या कहीं ऐसा तो नहीं कि ये अपनी फैमिली में बहुत खुश है, या हो सकता है आप में से कुछ लोगों के पार्टनर के बच्चे भी हों या मैरिड हों ऑलरेडी, या आपको चीट करके मैरिड हो गए हों किसी और के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के वजह से, लेकिन अभी भी आपसे कॉन्टैक्ट में हों। तो इस तरह की एनर्जीज दिख रही हैं आपके पार्टनर की। यहाँ पर कुछ लोगों के पार्टनर में हिम्मत ही नहीं है कि वो आपके लिए स्टैंड ले सकें, आपको कमिटमेंट दे सके, इसलिए वो आपको टालते रहते हैं कि थोड़ा टाइम और दो, मुझे इंडिपेंडेंट हो जाने दो, या मैं स्ट्रैटेजी बना रहा हूँ, मैं अपने पेरेंट्स को कन्विंस करूँगा। लेकिन यहाँ पे मिरर की एनर्जी है। ये आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो ट्विन फ्लेम से डील कर रहे हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने सोलमेट से डील कर रहे हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने कार्मिक से डील कर रहे हैं, ठीक है। तो एक जो आपको बिल्कुल परफेक्टली मिरर कर रहा है वो आपका ट्विन फ्लेम हो सकता है। मतलब अगर आप ट्रस्ट इश्यूज़ क्रिएट करती हैं तो वो ट्रस्ट इश्यूज़ आपको दिखा देते हैं। अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि हम ब्लॉक हो जाए या हमारा रिलेशन ख़त्म हो जाए, तो वो सामने से ब्लॉक कर देगा, वो आपके फियर को सरफेस कर देगा। तो चांसेस होते हैं कि वो आपके ट्विन फ्लेम हो सकते हैं। यहाँ पर मिररिंग बहुत स्ट्रांग है, तो आप में से ज़्यादातर लोग अपने सोलमेट या ट्विन फ्लेम से डील कर रहे हैं, कुछ लोग कार्मिक से भी डील कर रहे हैं, जो कि आपको बहुत ट्रिगर दे सकता है या दे सकती है। तो ये क्वालिटीज़ निकल कर आई हैं आप में से आपके पार्टनर्स की। अब हम ये देखेंगे कि इनके लाइफ में ऐसी क्या सिचुएशंस हैं जिसकी वजह से ये नहीं एक्शन ले पा रहे हैं या डीले कर रहे हैं, या इनके दिमाग में आपको लेकर क्या चीज़ें हैं, मतलब ये आपको लेकर कितने सीरियस हैं। प्लीज़ गाइड कर एंजल्स। मेरे व्यूअर्स जो भी ये रीडिंग देख रहे हैं, उनके पार्टनर उनको लेकर कितने सीरियस हैं, क्या ट्रू लव करते हैं, क्या इंटेंशंस हैं शादी को लेकर, शादी को लेकर क्या इंटेंशंस हैं आपके पार्टनर्स के, क्या वो आपसे शादी करना चाहते हैं, क्या ट्रू लव है, क्या ट्रू लव है, क्या प्यार करते हैं, क्या स्टैंड लेंगे। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, बॉटम ऑफ द डेक। जो कार्ड मुझे लगेगा कि मुझे क्लैरिफाई कर लेना चाहिए वो मैं क्लैरिफाई भी कर लूंगी। ओके, तो यहाँ पे मैं दो कार्ड क्लैरिफाई करूँगी, तीन कार्ड।
क्या डिसीजन लेंगे आपकी तरफ, आपके पार्टनर्स। ओके, दो कार्ड आए हैं, एक कार्ड ये, एक कार्ड और आया है। चैरियट का कार्ड क्यों आया है ये क्लैरिफाई किया है फाइव ऑफ सोर्ड्स एंड एस ऑफ वॉन्ड्स ने। मूविंग ऑन का कार्ड क्यों आया है, इमोशनल विड्रॉवल का कार्ड क्यों आया है। नाइन ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स एंड टू ऑफ पेंटिकल्स। ओके, क्या पेरेंट्स मानेंगे अगर पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट है तो। पेरेंट्स की वजह से आप में से ज़्यादातर लोगों के पार्टनर डरते हैं, भागते हैं कमिटमेंट से, क्या मानेंगे। आधे से ज़्यादा लोगों के पार्टनर्स मान जाएंगे, मतलब पेरेंट्स मान जाएंगे। टेन ऑफ पेंटिकल्स विद किंग ऑफ पेंटिकल्स, कुछ लोगों के पेरेंट्स मानते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं उस सिचुएशन में। मे बी या तो आपके पार्टनर कोई एक डिसीजन लेंगे, या तो आपसे मूव ऑन का डिसीजन लेंगे, या तो अपने पेरेंट्स से डिस्टेंस बन सकता है अगर वो इंडिपेंडेंट हैं तो। ओके, तो यहाँ पर जो इंटेंशंस हैं आपको लेकर वो मैं बता देती हूँ। यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, इमोशंस हैं, अप्रिशिएशन है आपकी तरफ, अट्रैक्शन है बहुत ज़्यादा। ये आपको लेकर बहुत ज़्यादा प्लानिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं, आपके ऑरा से बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं, आपका इंतज़ार भी करते हुए नज़र आ रहे हैं, जैसे उन्हें ऐसा लगता है कि कब ये आपके लिए स्टैंड लें और कब आप इनके लाइफ में एंट्री करें। हमेशा ये आपके बारे में सोचते हैं और सैड भी हो जाते हैं समटाइम्स। समटाइम्स ये खुद को अपने आप को आपसे दूर भी इसीलिए करते हैं कि शायद ये अपने आप को दूर कर पाएँ और आप शायद मूव ऑन कर पाओ, क्योंकि आपके लाइफ में इनकी वजह से बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस है। हो सकता है कि आप इनके लिए बहुत ज़्यादा अटैचमेंट रखते हो और इनको ये चीज़ हर्ट करती है कि आपको तकलीफ़ होगी आगे चल के अगर ये आपको एक्सेप्ट नहीं कर पाए या नहीं कर पाई तो। तो इस वजह से ये आपसे हो सकता है डिस्टेंस बनाने की भी कोशिश करते हैं, ये आपसे रन करने की भी कोशिश करते हैं समटाइम्स। क्या कई टाइम्स ऐसा हुआ होगा, लेकिन हर बार इन्हें ये फील हो जाता है कि इनके साथ आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन है, जिसकी वजह से ये लौट कर वापस आ जाते हैं आपके लाइफ में। ये अभी भी आप पर स्टक हैं, ये चाहे कुछ भी कर लें, कितना भी डिस्टेंस बना लें, अपने आप को कहीं भी डाइवर्ट करने की कोशिश करें, चाहे थर्ड पार्टी में चले जाएं, चाहे बहुत ज़्यादा वर्कोलिक हो जाएं, बट ये डाइवर्ट नहीं हो पाते। आपके लिए स्टैंड भी लेना चाह रहे हैं, पूरी दुनिया से फाइट कर सकते हैं अगर किसी ने आपके खिलाफ कुछ भी बोला तो। ये आपको लेकर ही एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। हो सकता है आप में से कई लोगों के पार्टनर्स ने अपने फैमिली को बता भी दिया है कि मैं इस बंदे से या इस बंदी से प्यार करती हूँ, या ये मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, इनडायरेक्ट वे में भी बताया होगा, या एज अ फ्रेंड आपको मिलवाया होगा या बातें करवाई होगी। हो सकता है इनकी मॉम या इनकी सिस्टर या कोई आपको जानता हो पर्सनली, तो इस तरह की सिचुएशंस है। लेकिन यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आप में से कुछ लोगों की सिचुएशंस थोड़ी डिफरेंट है। आप में से कुछ लोगों के पार्टनर ऑलरेडी थर्ड पार्टी में हैं, हो सकता है आप बाद में आए हो, थर्ड पार्टी पहले से रही हो, पहले से वो किसी ऐसे टॉक्सिक रिलेशनशिप में रहे हों जिसकी वजह से वो बाहर किसी और के साथ अटैच हो गए या हो गई। कुछ लोगों की सिचुएशन डिफरेंट है, वो लोग उस सिचुएशन से जल्द निकलना चाहते हैं थर्ड पार्टी से। यहाँ पर स्टेबिलिटी आपके साथ देखते हैं और आपके लिए स्टैंड भी लेना चाहते हैं, तो इनके इंटेंशंस बहुत प्योर हैं आपके लिए। कुछ लोगों की बात नहीं कर रही हूँ, हो सकता है आप में से कुछ लोग बहुत ही रेयर कार्मिक से डील कर रहे हों जो कि बहुत लोअर वाइब्रेशनल एनर्जी हो, लेकिन ज़्यादातर जो कलेक्टिव एनर्जी है वही यहाँ पर निकल कर आती है क्योंकि कलेक्टिव रीडिंग्स होती हैं। तो यहाँ पर ज़्यादातर लोगों की जो एनर्जी थी वो मैंने आपको बता दी। देखते हैं आगे क्या होगा, क्या इस रिलेशनशिप में आपको सक्सेस मिलेगी, ज़्यादातर क्या चांसेस, ज़्यादातर पॉजिटिव कार्ड्स आते हैं कि नेगेटिव कार्ड्स आते हैं। जो भी कार्ड्स आएंगे मैं उसे क्लैरिफाई भी कर लूँगी ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सही एक्यूरेट बता पाऊँ। प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूवर्स की तरफ, उनके पार्टनर्स का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, क्या वो शादी को लेकर सीरियस हैं और आगे चल के क्या इनका रिश्ता कमिटमेंट में बदलेगा, शादी में बदलेगा। नेक्स्ट एक्शन क्या पूछना है, क्या बात है, बड़ी पॉजिटिव एनर्जी आ गई। अभी तीन कार्ड्स तो पॉजिटिव आ गए और सबसे बेस्ट कार्ड आ गया, अब जो होना है हो जाए, फ़र्क नहीं पैंदा।
यहाँ पे 8 नंबर आया है। देखो 8 नंबर यहाँ पर आप में से ज़्यादातर लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। आने वाले 8 महीने, 8 हफ्ते या 8 दिन के अंदर आप में से ज़्यादातर लोगों की शादी या कमिटमेंट आपको रिसीव हो सकती है। शादी की कमिटमेंट की बात कर रही हूँ, मैसेज या कॉल की बात नहीं कर रही हूँ, ठीक है। प्लीज़ गाइड करें। 3 मोर कार्ड्स, 3 कार्ड और, वाह क्या बात है, पूछना ही नहीं है। कुछ लोगों के लिए टावर मोमेंट भी हो सकता है, क्योंकि मैंने कहा ना कुछ लोगों की एनर्जी नेगेटिव दिख रही है, कार्मिक की एनर्जी भी हो सकती है। यहाँ पर देखिए 5ों कार्ड्स पॉजिटिव आए हैं, और सबसे मेजर चीज़ें हैं पेशेंस। आपने पेशेंस रखा है, सब का फल मीठा होता है, ठीक है। साईं बाबा क्या कहते हैं, श्रद्धा सुबरी। तो यहाँ पे आपने अगर श्रद्धा से किसी को डेडिकेट किया है अपना लव, तो लव इज़ द हाईएस्ट वाइब्रेशन। पूरे यूनिवर्स में लव हाईएस्ट वाइब्रेशन है, और अगर आपका लव सच्चा है, अनकंडीशनल है, सेल्फिश नहीं है, कोई कंडीशंस के बिना आपने अगर प्यार दिया है किसी को, तो वो लव 10 गुना 20 गुना बनकर आपकी तरफ रिटर्न भेजती है यूनिवर्स। तो यूनिवर्स पर भरोसा रखिए। यहाँ पर स्पिरिचुअल यूनियन एंड हारमोनी का कार्ड आ गया। शादी की रीडिंग में 5ों के 5ों कार्ड पॉजिटिव आए हैं गाइस, इससे बेहतरीन रीडिंग हो ही नहीं सकती। तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में सक्सेस आपको मिलेगी, और आपके पार्टनर, अगर आप दोनों का प्यार ट्रू है, आपका इंट्यूशन कहता है, आपका लव कहता है, तो आपकी शादी होगी, चाहे सिचुएशन जो भी हो। वक्त लगे डजन मैटर, बट यहाँ मैं टाइम लिमिट नहीं दे रही हूँ, लेकिन शादी यहाँ पर जो रीडिंग है वो ज़रूर होगी। सो ये थी आज की रीडिंग, होप आपको इस रीडिंग से काफ़ी हद तक क्लैरिटी मिली हो। थैंक यू सो मच, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, बाय बाय।